हे थीम लवर्स, आपका स्वागत है मोबाइल फंडा थीम्स में फिर से एक और नए हाइपर ओएस कंट्रोल सेंटर के साथ, जहां आज की कंट्रोल सेंटर उन यूजर्स को पसंद आएगी जो एक डार्क एस्थेटिक लुक के फैन हैं। तो अगर आप भी उन यूजर्स में से हैं और अपने बोरिंग से कंट्रोल सेंटर को एक फ्रेश डार्क लुक देना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो में एंड तक बने रहें। वहीं अगर आप एक मिनिमल हाइपर ओएस थीम ट्राई करना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड में हमारी लेटेस्ट मिनिमल हाइपर ओएस 2 थीम की वीडियो मिलेगी, उसे चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें आज के इस न्यू हाइपर ओएस कंट्रोल सेंटर की, तो वह हमें कुछ इस लेआउट में देखने को मिलेगा, जहां पे टॉगल्स हमें डार्क शेड में देखने को मिलेंगे। वहीं इन टॉगल्स के शेप जैसे कि मोबाइल डाटा, वाईफाई, वॉल्यूम और ब्राइटनेस बार हमें कैप्सूल टाइप में और बॉटम के टॉगल्स राउंडेड देखने को मिलेंगे। वहीं इन टॉगल्स में एनिमेशन की बात करें तो जैसे ही इस मोबाइल डाटा को ऑन करते हैं तो सबसे पहले यह टॉगल डार्क से वाइट में चेंज होता है और टेक्स्ट हमें एक न्यूज़ हेडलाइंस जैसा इफेक्ट देता है। वैसे ही जब वाईफाई को ऑन करते हैं तो ये भी डार्क से वाइट प्लस आइकन में हमें कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो म्यूजिक का शॉर्टकट है उसे टैप करेंगे तो यहाँ पे हमें एक सीडी के आइकन के साथ जिस ऐप से म्यूजिक प्ले हुआ है वो यहाँ पे दिखाई देगा, जो दिखने में काफी कूल लगता है। साथ में जो वॉल्यूम और ब्राइटनेस बार है उसे एडजस्ट करने पे कैप्सूल टाइप में बार ऊपर की ओर स्लाइड होता है, जिसे फुल करने पे टॉगल्स फुली व्हाइट हो जाते हैं। वहीं नीचे के टॉगल्स में भी हमें डार्क से व्हाइट के साथ ऑलमोस्ट स्टॉक थीम जैसे ही देखने को मिलेंगे। वैसे इन टॉगल्स के कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। जैसे सारे टॉगल्स तो व्हाइट देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बैटरी सेवर और टॉर्च का आइकन वो हमें रेड देखने को मिलेंगे, जो इस कंट्रोल सेंटर के डार्क एस्थेटिक लुक को और भी एनहांस करते हैं। नेक्स्ट बात करें वॉल्यूम कंट्रोल लेआउट की, तो यहाँ पे भी हमें वॉल्यूम बार्स स्टॉक एनिमेशन के साथ डार्क शेड में देखने को मिलेंगे, जिसे ऊपर की ओर स्लाइड करने पे टॉगल्स फुली वाइट हो जाते हैं। बाकी इस कंट्रोल सेंटर का नोटिफिकेशन पैनल और स्टेटस बार हमें एज इट इज ही देखने को मिलेंगे, जैसे स्टॉक थीम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई इस कंट्रोल सेंटर के फीचर्स की बात। अब बात करते हैं कि ये कौन सा थीम है और इसे कैसे डाउनलोड और अप्लाई करें। तो फर्स्ट आपको नीचे पिन कमेंट में एक थीम का लिंक मिलेगा, जिसे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है अपने फोन के थीम स्टोर में और इस थीम हाइपर हाइप को सेलेक्ट करना है। फिर कस्टमाइज पे टैप करके इसे सिस्टम पे चेक कर अप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे आपका ये डार्क एस्थेटिक कंट्रोल सेंटर अप्लाई हो जाएगा। बाकी आई होप कि आपको ये कंट्रोल सेंटर इंस्टॉल करने में कोई इशू नहीं आएगी। वहीं आपको ये कंट्रोल सेंटर कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो फिर ये थी आज की न्यू डार्क एस्थेटिक हाइपर ओएस कंट्रोल सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कंट्रोल सेंटर पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। वहीं मोबाइल फंडा थीम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको आगे और भी इंटरेस्टिंग हाइपर ओएस कस्टमाइजेशंस देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कस्टमाइजिंग।